एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले मायावती के ऊपर मूर्तियों को लेकर विवादित बयान, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो आई थी, उसके ऊपर बहुजन समाज के लोग खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर बहुजन समाज एक एक रुपया भी देगा तो करोड़ों रुपए बहुजन समाज की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बीएसपी लीडर के पास होगा। लेकिन अगर सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा जो मनु व्यवस्था के लोग हैं, अगर उनसे मूर्तियों का हिसाब लिया जाएगा तो वो कहां से देंगे। खुल के सामने आए हैं 8 लाख कर्मचारी और उन्होंने अपनी 1 महीने की सैलरी देने का वादा किया है और उन्होंने कहा है मूर्तियों को बचाने के लिए 1 महीने का वेतन देंगे 8 लाख कर्मचारी, अगर जरूरत पड़ी तो इससे भी ज्यादा दे सकते हैं। अम्बेडकर पार्क में लगी मूर्तियों को बचाने के लिए दलित कर्मचारी संगठन आगे आएंगे और रविवार को गोमती नगर समता मूलक चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश वर्मा ने बताया कि प्रदेश के 8 लाख आरक्षण समर्थक जरूरत पड़ी तो बाबा साहब स्मारक में लगी मूर्तियों को बचाने के लिए 1-1 महीने का वेतन भी देंगे और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों से सिर्फ 1 रुपया मांगेंगे तो करोड़ों बहन कुमारी मायावती के पास इकट्ठा होगा, उनको बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। इसके अलावा समिति के सदस्यों ने आरक्षण बचाओ पैदल मार्च भी निकाला और मोदी सरकार से तुरंत 200 पॉइंट के रोस्टर की पुरानी व्यवस्था को लागू करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने योगी मोदी सरकार को दलित विरोधी करार दिया है। मार्च में केबी राम शंकर जायसवाल, अनिल कुमार, अजय कुमार, श्याम लाला जैसे सभी लोग बहुजन समाज को बचाने के लिए बहुजन समाज के महानायकों की मूर्ति बचाने के लिए और उन्होंने कहा कि हाथी सिंबल ऑफ वेलकम है, वेलकम के लिए लगाया हुआ हाथियों का निशान है, ना कि वो बहन कुमारी मायावती की बीएसपी पार्टी का सिंबल है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुजन समाज की आवाज देश विदेश तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए आपको जरूरी है कि इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों को जरूर शेयर करें ताकि बहुजन समाज के लोगों का 1-1 रुपया बहन कुमारी मायावती के पास जाए और वो करोड़ों की संख्या में आए ताकि आने वाले चुनाव के अंदर बहन कुमारी मायावती 2019 के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में नजर आए। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।